यानी कि जो हमने अलग अलग शब्द लिखे हैं उसको मिला के लिखना है, जॉइंट करके लिखना है। जैसे एम वाई, एम प्लस वाई, अब हम इनको जॉइंट करेंगे तो खाली क्या लिखेंगे, एम वाई माई, माई मीन्स होता है मेरा, एम वाई माई, माई मीन्स मेरा। अब इधर देखिए सेकंड, ओ एन, ओ एन ऑन, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, पहले हम ओ एन, ओ एन ऑन, ऑन मीन्स होता है ऊपर, जैसे टेबल के ऊपर बुक रखी है तो क्या होगा, ए बुक ऑन द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर क्या है, बुक ऑन। अब आई एन इन, क्या है ये, इन, इन मीन्स क्या होता है, इन मीन्स होता है अंदर, जैसे आप पूछते हैं, आप क्लास में आती है मैम से पूछते हैं, मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ पे आ गए इन, इन मीन्स होता है अंदर, आई एन, आई एन इन, इन मीन्स होता है अंदर। अब देखिए नो, जैसे आप कहते हो मैम आई गो टू टॉयलेट, तो हम कहेंगे नो, नो का मतलब क्या होता है, नहीं, नो। अब हम इसको कैसे लिखेंगे जॉइंट करके, एन ओ, एन ओ, एन ओ नो। अब नेक्स्ट लास्ट देखिए, आई प्लस एम, आई एम मीन्स होता है मैं, क्या होता है आई एम, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज योर नेम, आई एम अनीता गुप्ता, मैं अनीता गुप्ता हूँ, या आप अपना नाम बताएंगे, आई एम, आई एम, एम मीन्स होता है मैं। अब देखिए आई एन एम, आई एम, अब रिपीट नाउ, रिपीट कीजिए, एम वाई माई, ओ एन ऑन, ऑन मीन्स ऊपर, माई मीन्स मेरा, आई एन इन, इन मीन्स अंदर, एन ओ नो, नो मीन्स नहीं, और आई एम, आई एम, आई एम मीन्स मैं। ठीक है, आपको इंग्लिश के